हेलो क्लास नाइन्थ। तो सारे बच्चे कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। तो शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। आज मैं आपको कराऊंगा नया चैप्टर शुरू, और आज की शुरुआत होगी हमारी ज्योमेट्री से, मतलब आज हम करेंगे रेखा गणित। ओके, तो क्लास नाइन्थ के बच्चों, आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 6, आपका पहला मतलब ज्योमेट्री का इम्पोर्टेंट चैप्टर। इससे पहले आपका चैप्टर नंबर 5 यूक्लिड भी है, उसकी क्लासेस हम बाद में लेंगे। आज मैं आपको पहले चैप्टर नंबर 6 कराऊंगा। ओके जी, क्लियर? तो सारे के सारे बच्चे अपने बुक्स को खोल लें और शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। तो आज का टॉपिक है आपका चैप्टर 6, और इसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं और कोण। और हमारी क्लास कौन सी है? 9th। तो आज हम आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर कराने जा रहे हैं, और आज का चैप्टर आपका 6 है, ठीक है? सबसे पहले हम कुछ छोटी छोटी सी बातें कर लेते हैं, बेसिक थोड़ी बहुत जानकारी, ठीक है? सबसे पहले बात करते हैं एंगल्स के बारे में। क्या बोलते हैं हम इनको? कोण। तो अगर मैं एंगल की बात करूं तो क्या होता है एंगल? ये हमारे पास एक रे है और एक ये रे है, मतलब किरण है हमारे पास। ओ, ये ओ हो गया, ये हमारा ए है और ये हमारा क्या है? बी है। एक ओ ए रे है और एक ओ बी रे है। इन दोनों के बीच में इन दोनों ने एक दूसरे को मीट किया इस पॉइंट पे, तो जो ये बना इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल। क्या बोलते हैं इसको? एंगल। उसको किससे दिखाते हैं हम? थीटा से। इस सिंबल को बोलते हैं हम थीटा, और ये हो गया हमारा एंगल। इससे हम क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या होता है? वर्टेक्स। क्या बोलते हैं हम इसको? वर्टेक्स, मतलब शीर्ष। और ये क्या होती है हमारी? ये दोनों, इन दोनों को हम बोलते हैं आर्म, मतलब भुजाएं। ओके जी। और ये बीच में हमारा क्या है? एंगल, मतलब हमारा कोण। हमारे पास जो एंगल्स होते हैं बेटा बच्चों, वो बहुत टाइप के होते हैं। तो पहले हम मेन मेन टाइप की बात कर लेते हैं। तो ये हुई बात आपकी टाइप्स ऑफ एंगल्स, मतलब कोणों के प्रकार। ओके जी, तो आप सारे बच्चे ध्यान में रखना। सबसे पहला एंगल होता है एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल होता है सबसे पहले? एक्यूट एंगल। इसको हम बोलते हैं न्यून कोण, ठीक है? मतलब जिस कोण की वैल्यू क्या होगी? 90 से छोटा। कोई भी एंगल जो 90 डिग्री से छोटा है हम उसको क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल बोलते हैं। जैसे 45 डिग्री का एंगल 90 से छोटा है, एक्यूट एंगल। 65 एक्यूट एंगल, 85 एक्यूट एंगल, इनको क्या बोलते हैं? न्यून कोण। तो जैसे मैंने ये एंगल बनाया एक, और इस एंगल की जो वैल्यू है ये हमारी 40 डिग्री, तो ये हमारा क्या है? एक्यूट एंगल। सेकंड होता है राइट एंगल। क्या होता है राइट एंगल? इंग्लिश में राइट एंगल, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? समकोण। ऐसा सिंबल बना होता है, और ये होता है 90 डिग्री का। जो एंगल जिसका मेजर बिल्कुल राइट 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री का जो कोण होता है उसी को हम बोलते हैं राइट एंगल या फिर समकोण। थर्ड आपके पास होता है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल हिंदी में बोलते हैं इसको अधिक कोण। तो ये एंगल क्या होगा? इसकी वैल्यू 90 डिग्री से क्या होगी? ज्यादा होगी। मतलब ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा। जैसे 100 डिग्री का एंगल, तो क्या एंगल, कौन सा एंगल कहलाया जाएगा आपका? ऑब्ट्यूस एंगल। तो कौन सा एंगल हो गया? ऑब्ट्यूस। जैसे मैंने ये बना दिया, ये एंगल मेरा है 120 डिग्री का, तो हम इसको क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल। फोर्थ होता है आपका
तो कौन कौन से एंगल हो गए, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, एक होता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल इसको बोलते हैं पूरक कोण। ये आपके पास लाइन गई, ये एंगल बना 180 डिग्री का, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, सीधा कोण या फिर पूरा कोण या फिर सप्लीमेंट्री एंगल। क्या सप्लीमेंट्री तो नहीं बोलेंगे कि वहां पे तो पेयर चाहिए होता है, जिस एंगल की वैल्यू 180 डिग्री होती है उस एंगल को क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। तो आपने देखा कि यहां पे मैंने आपको चार तरह के एंगल्स के बारे में बताया, एक होता है एक्यूट एंगल जिनकी वैल्यू 90 से कम होती है, बिल्कुल सही, राइट एंगल जिनकी वैल्यू 90 से बराबर होती है, जो 90 डिग्री का होता है उसको बोलते हैं राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल जिनकी वैल्यू 90 से ज्यादा होती है, और स्ट्रेट एंगल पूरक कोण जिसकी वैल्यू 180 डिग्री होती है। एक और एंगल होता है, इस एंगल को बोलते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्स एंगल, इसको बोलते हैं परिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण, इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको रिफ्लेक्स एंगल और हिंदी में बोलते हैं इसको प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। तो कैसे, जैसे ये हमारा 40 डिग्री एंगल है तो जो ये एंगल है इस एंगल को हम कौन सा एंगल बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल या फिर प्रतिवर्ती कोण। अब जैसे ये हमारा एंगल 120 है तो इसका जो ये एंगल होगा इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे, प्रतिवर्ती कोण बोलेंगे। ऐसे ही ये एंगल इसका क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स एंगल प्रतिवर्ती कोण, और ये एंगल इसका क्या कहलाएगा, प्रतिवर्ती कोण। तो आपको अगर कभी भी कोई भी रिफ्लेक्स एंगल निकालना है तो आपने क्या करना है, जैसे सिंपल सा ध्यान से सुनना, मेरे पास है 30 डिग्री का एंगल और मुझे इसका रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, तो क्या करना है आपने 360 में से 30 को क्या कर देना है, माइनस कर देना है, क्या आंसर आएगा आपका, 330 डिग्री, तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्स एंगल। एक और एग्जांपल लो, हमारे पास एंगल है 120 डिग्री का और हमें क्या निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, तो कैसे निकलेगा रिफ्लेक्स एंगल, इसको आप 360 से माइनस कर दो, तो 360 माइनस 120 क्या हो गया आपका 240, तो 240 क्या हो गया आपका, रिफ्लेक्स एंगल हो गया, प्रतिवर्ती कोण हो गया। आपको पास 60 डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री का एक एंगल है और आपको इसका रिफ्लेक्स एंगल प्रतिवर्ती कोण निकालना है, तो क्या करोगे आप इसे 360 में से माइनस कर दोगे, कितना आंसर आ गया, 300, तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्स एंगल या फिर प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। तो सारे बच्चों को कोण समझ में आ गए, एंगल्स के बारे में समझ में आ गया, ओके। और करते हैं आगे, अगर हम अपनी इस एंगल की बात को आगे बढ़ाएं तो फिर हमारे पास आता है एक और एंगल, इसको बोलते हैं हम एडजेसेंट एंगल। क्या बोलते हैं हम इनको, एडजेसेंट एंगल, हिंदी में बोला जाता है इनको आसन कोण, आसन कोण। जैसे आप इस एंगल को ध्यान से देखो, ए ओ बी और ये सी, तो यहां पे आपको दो एंगल दिख रहे हैं, एक एंगल ये रहा और एक एंगल ये रहा, तो हम इन एंगल को बोलते हैं एडजेसेंट एंगल, हिंदी में बोलते हैं आसन कोण। इसकी पहचान क्या होती है, इनका एक वर्टेक्स कॉमन होता है, जैसे वर्टेक्स एंगल ए ओ बी है तो उसमें भी ओ आर है, एंगल बी ओ सी है, कोण बी ओ सी है उसमें भी ओ आर है, तो इनका एक जो शीर्ष है, एक जो वर्टेक्स है वो कॉमन है और एक आर्म भी कॉमन होनी चाहिए, एक भुजा भी कॉमन होनी चाहिए, तो ये आर्म कॉमन है, तो एडजेसेंट एंगल की क्या पहचान होगी, वर्टेक्स कॉमन, वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए, शीर्ष समान होना चाहिए दोनों का, एक तो पहली चीज ये हो गई, और दूसरी क्या चीज, वन आर्म कॉमन, वन आर्म कॉमन, एक भुजा समान होनी चाहिए, ओके जी। आगे बात समझ में, अगर हम कभी भी एडजेसेंट एंगल की बात कर रहे हैं, आसन कोण की बात कर रहे हैं,
तो दो एंगल जैसे ये दिख रहे हैं, तो ये हमारे एडजेसेंट एंगल, इसमें ये हमारी कॉमन आर्म होगी दोनों की, और जो बाकी जो दो आर्म बचती हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए, विपरीत दिशा में होनी चाहिए। तो हम इन एंगलों को क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। कौन सा एंगल बोलते हैं? एडजेसेंट। और इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं हम लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर। हिंदी में बोला जाता है इसको रैखिक युग्म। तो देखो बेटा, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, ये मेरे पास एक लाइन है और इस लाइन पे ये कुछ एंगल बन रहे हैं। एक एंगल ये बना एक्स और ये एंगल बना वाई। तो ये पूरा एंगल कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। तो ये एक्स प्लस जो वाई होगा ये किसके बराबर होगा? 180 डिग्री। हम इन एंगल को क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर बोलते हैं। ऐसे ही अगर हमारे ज्यादा एंगल बन जाते हैं, जैसे अब हमारे यहां पे और ज्यादा एंगल फॉर्म्ड हो गए, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। जब दो एंगल बने तो इनका सम 180 है, तीन बनेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो गया हमारे पास लीनियर पेयर या फिर रैखिक युग्म। आपकी जो एक्सरसाइज 6.1 है उसमें इसका बहुत यूज होगा, तो आप इसे एज ए फॉर्मूला यूज करेंगे, ये आपके लिए एक तरीके से सूत्र की तरह काम करेगा, ठीक है। तो आप सारे बच्चों ने याद रखना है कि जब भी एक लाइन पर एंगल बनते हैं, जैसे ये दो एंगल हमें दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे हमें ये तीन एंगल दिखाई दे रहे हैं, ये इस लाइन पे बने हैं, इस लाइन का एल नाम दे देते हैं, तो लाइन पे जितने भी एंगल्स बनते हैं, दो बने, तीन बने, तीन से ज्यादा बने, इन सभी का सम होता है 180 डिग्री। क्यों होता है? बिकॉज दे फॉर्म लीनियर पेयर, ये हमारे रैखिक युग्म बनाते हैं, इसलिए ये युग्म है, ठीक है बेटा। ओके जी, सारे बच्चों को समझ में आ गया, ये आपका एज ए फॉर्मूला यूज होगा 6.1 एक्सरसाइज में। तो आपने सब बच्चों को याद रखना है लीनियर पेयर क्या होता है, ठीक है। और आगे होता है आपके पास 7, ये होते हैं आपके पास वर्टिकली। अच्छा, इसको तो हम बाद में देखेंगे, ठीक है जी, आगे बात समझ में। तो ये तो हुआ आपके एंगल्स के बारे में, ठीक है। तो मैंने आपको कौन कौन से एंगल बताए, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे एक्यूट एंगल, न्यून कोण, जिनका मान 90 से छोटा होता है, जिनकी वैल्यू 90 से कम होती है। दूसरा ऑब्ट्यूस एंगल, जिनकी वैल्यू 90 से ज्यादा होती है, 90 डिग्री से बड़े होते हैं। तीसरा राइट एंगल, समकोण, जिनका मान 90 डिग्री होता है। फिर चौथा स्ट्रेट एंगल, जिसकी वैल्यू 180 डिग्री होती है, जिसको बोलते हैं सीधा कोण या रेखिक कोण या फिर पूरक कोण। इसके बाद होता है आपका रिफ्लेक्सिव एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्सिव या रिफ्लेक्सिव एंगल, ठीक है, या प्रतिवर्ती कोण। ये कैसे निकालते हैं? जितना भी एंगल हमें दे रखा है उसको 360 से माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल आ जाता है। फिर मैंने आपको समझाया एडजेसेंट एंगल और यहाँ पे लीनियर पेयर, और ये आपका है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब आगे चलते हैं, ये तो सब मैंने आपको एंगल्स के बारे में बताया, अब हम लाइंस के बारे में भी पढ़ते हैं। तो लाइन तो सभी बच्चे जानते हैं कि क्या होती है लाइन, ये है हमारी लाइन, क्या बोलते हैं हम इसको? लाइन बोलते हैं। ये हमारी क्या हो गई? रेखा हो गई, ठीक है। सभी बच्चों को पता होगा कि लाइन का ना ही कोई एंड पॉइंट होता है, ना ही इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ना ही एंड पॉइंट होता है, इधर भी जाती जा रही है, इधर भी जाती जा रही है। तो ये लाइंस, जब हम लाइंस के बारे में पढ़ते हैं तो हम मेनली इस चैप्टर के अंदर दो प्रकार की लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। पहला होता है इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इनको बोलते हैं हम प्रतिच्छेदी रेखा। तो क्या कहते हैं? रेखाएं बोल देते हैं। देखो, एक लाइन ये चली गई और एक लाइन ये चली गई, ये लाइन L है और ये लाइन क्या है? M है। तो हम ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं इस पॉइंट पर, तो इसीलिए इनको बोला जाता है इंटरसेक्टिंग लाइंस, क्योंकि ये दोनों लाइन एक दूसरे को काटती हैं, इसलिए इनको बोला जाता है इंटरसेक्टिंग लाइन, हिंदी में बोला जाता है प्रतिच्छेदी रेखा। और यहीं पे हमारे पास एक और फॉर्मूला तैयार होता है, वो होता है
जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे एंगल बन रहा है, ये रहा एंगल, ये रहा एंगल, ये रहा एंगल और ये रहा एंगल। तो अगर मैं इनकी नेमिंग कर दूं, तो ये मैंने नेमिंग कर दी 1 2 3 4। तो आप हमेशा याद रखना जो एंगल 1 होता है ये एंगल 3 के बराबर होता है, और जो एंगल 2 होता है वो एंगल 4 के बराबर होता है। इनको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या बोलते हैं बच्चों इनको? वर्टिकली अपोजिट एंगल। हिंदी में बोला जाता है इनको शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। तो मैं दोबारा से सारे बच्चों को बता दूं, क्योंकि ये भी हमारा एक फॉर्मूला है, हम इसे भी एज ए फॉर्मूला यूज करेंगे अपनी 6.1 एक्सरसाइज में। तो क्या है इसमें, जब भी दो लाइनें काटेंगी, जैसे यहां पे दीज टू लाइंस एल और एम इंटरसेक्ट ईच अदर, इन्होंने आपस में काटा, तो जो सामने सामने के एंगल दिखाई दे रहे हैं, जैसे 2 के सामने 4 है, 1 के सामने क्या 3 है, तो ये एंगल हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एंगल 30 है तो ये भी 30 होगा, अगर ये हमारा 150 है तो ये भी हमारा 150 होगा। इनको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, और हिंदी में बोलते हैं इनको शीर्षाभिमुख कोण। और जो दूसरी टाइप की लाइंस होती है वो होती है हमारी पैरेलल लाइंस, या फिर पैरेलल लाइंस का कंसेप्ट हम अपनी नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे, क्योंकि इससे भी कुछ फॉर्मूले बनेंगे। तो बच्चों आपकी जो अब 6.1 एक्सरसाइज है, कौन सी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 6.1, तो इसके लिए आप दो चीजें याद रखेंगे। पहली चीज है आपकी लीनियर पेयर, क्या है पहली चीज, लीनियर पेयर रैखिक युग्म, ठीक है, ये आपकी पहली चीज इंपॉर्टेंट है, रैखिक युग्म लीनियर पेयर। तो एक लाइन, इस लाइन पर जितने भी एंगल बनेंगे इनका सम हमेशा क्या होगा आपका 180 डिग्री, मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट चीज, और सेकंड है आपके पास ये कौन सी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, प्रतिच्छेदी रेखा। जब भी दो लाइन आपस में काटेंगी तो जो ये सामने सामने वाले एंगल्स जो बनेंगे वो एंगल्स हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है बेटा, तो इन दो फॉर्मूलों की मदद से अब हम शुरू करेंगे अपनी एक्सरसाइज 6.1। सभी बच्चे एक बार दोबारा से इसको रिवाइंड करके समझ लेना, ये दो हमारे फॉर्मूले हैं, हम इनको एज ए फॉर्मूला यूज करेंगे अपनी इस एक्सरसाइज को करने में। तो अब मैं देखते हैं कि हमारे पास एक्सरसाइज में कैसे क्वेश्चंस हैं और उन्हें हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। ओके जी, तो आप शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 6.1। सारे के सारे बच्चे अपनी बुक्स निकाल लो, अपनी कॉपी तैयार करो और देखो जरा कैसे करना है आपने। ठीक है, ओके बेटा, तो शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 6.1। तो ये है हमारी एक्सरसाइज 6.1। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। ओके, आप अपनी बुक्स में पढ़ेंगे क्वेश्चन को। तो ये थी पहली एक्सरसाइज। सबसे पहले हमें जो फिगर दे रखी है इस फिगर को बना लेते हैं। ये हमारे पास फिगर है, पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये ए है, यहां पे आपका बी है, ये ओ है, ये है सी, और यहां पे है पॉइंट डी, और इधर से गई लाइन एक, और ये है आपका पॉइंट ई। इस फिगर के अंदर जैसा आपको बता रहा है, ए बी और सी डी ये हमारी दो लाइन है जो ऊपर काट रहे हैं, ए बी और सी डी दो लाइनें हैं जो ऊपर काट रही हैं, इस तरीके से काट रही हैं। हमें गिवन है, दिया है कि जो एंगल ए ओ सी है, मतलब ये एंगल, प्लस एंगल बी ओ ई है, मतलब ये एंगल, इन दोनों का सम किसके बराबर है, 70 डिग्री के बराबर, और एंगल बी ओ डी, ये जो एंगल है बी ओ डी, ये एंगल कितना दिया है हमें, 40 डिग्री का एंगल दिया है। हमें फाइंड करना है बी ओ ई एंगल, एक तो ये एंगल फाइंड करना है और सी ओ ई एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, प्रतिवर्ती कोण निकालना है। क्लियर, ए बी और सी डी लाइंस हैं, रेखाएं हैं जो ओ पे काट रही हैं, एंगल ए ओ सी, एंगल बी ओ ई किसके बराबर है, 70 डिग्री के, और एंगल बी ओ डी किसके बराबर है, 40 डिग्री के।
हमें BOE ये एंगल फाइंड करना है, COE इस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। ओके बेटा करें सॉल्व। तो देखो सबसे पहले AOB एक लाइन, ये एक लाइन है, तो आपका एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE किसके बराबर होगा 180 डिग्री के। क्या रीजन लिखोगे? लीनियर पेयर, ये है हमारे रैखिक युग्म, इस वजह से लीनियर पेयर रैखिक युग्म है। ओके जी, एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल COE किसके बराबर हो गया 180 डिग्री। इन दोनों की वैल्यू कितनी है 70 डिग्री, प्लस एंगल COE बराबर 180 डिग्री। तो आपका एंगल COE कितना आ गया 180 माइनस 70 डिग्री, एंगल COE आ गया 110 डिग्री। मगर हमें तो COE का क्या निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। तो आप बोलोगे रिफ्लेक्स हिंदी में प्रतिवर्ती एंगल COE कितना हो जाएगा 360 माइनस में 110, तो आ गया आपका 250 डिग्री और ये हो गया आपका आंसर। तो हमारा COE एंगल का जो रिफ्लेक्स एंगल है वो कितना दिया हुआ है 250 डिग्री है हमारा आंसर। चलो जी आगे चलते हैं। अभी हमारा BOE एंगल रह गया। तो देखो बेटा CD एक लाइन है, जब ये एक लाइन है तो ये एंगल प्लस ये एंगल किसके बराबर होंगे 180 डिग्री। तो आप लिखो नाउ अब एंगल COE ये एंगल प्लस एंगल BOE ये एंगल प्लस एंगल BOD किसके बराबर होगा 180। रीजन क्या लिख दोगे आप? लीनियर पेयर। अपना रीजन जरूर लिखना है, कारण रैखिक युग्म। COE की वैल्यू कितनी आई 110 डिग्री, ये वैल्यू नहीं रखेंगे क्योंकि ये तो रिफ्लेक्स एंगल है, हम इसकी वैल्यू रखेंगे। BOE ये हमें फाइंड करना है और इसकी वैल्यू कितनी है 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपका एंगल BOE कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दिया 150 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपका एंगल BOE हो गया 180 डिग्री माइनस में 150, मतलब आपका 30 डिग्री एंगल BOE और ये हो गया बच्चों आपका आंसर। ठीक है, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। तो आपने जैसे इसमें देखा इसके अंदर हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, लीनियर पेयर का। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि ये लीनियर पेयर, रैखिक युग्म और वर्टिकली अपोजिट एंगल ये आपके फॉर्मूले हैं, लगभग सभी क्वेश्चनों में हम इनको यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन था, हमने कर लिया। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे, देखते हैं क्या है उसके अंदर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले आप फिगर बनाएंगे अपनी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, ये फिगर है और ये चली गई लाइन। यहां पे एंगल सी है, ये एंगल आपका ए है, ये एंगल आपका बी है और यहां पे एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री। नेमिंग की बात कर ले तो ये एक्स है, ये वाई है, ये ओ है, ये पॉइंट पी है, एम है और ये है आपका एन। इसमें हमें बोल रखा है एक्स वाई और एम एन, ये दो लाइन है जो कि ओ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ओ पे एक दूसरे को काट रही हैं। एंगल पी ओ वाई हमारा 90 डिग्री है और ए रेशो बी हमें यहां पे गिवन दिया है कि ए रेशो बी किसके बराबर है 2:3 के। ए रेशो बी 2:3 के बराबर है। सी एंगल या सी की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो
तो देखो कैसे करेंगे इसको सॉल्यूशन, बहुत अच्छे तरीके से देखो ध्यान से। एंगल POX प्लस एंगल PO, अच्छा चलो ऐसे करो, सबसे पहले आप लेट कर लो, मान लो A को रेशो में दिया है तो A को 2x मान लो और B को क्या मान लो 3x। तो अब देखो आप A प्लस B प्लस एंगल POY किसके बराबर होगा, 180 डिग्री। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये बना रहे हैं लीनियर पेयर, मतलब रैखिक युग्म बना रहे हैं। ओके जी, ए की वैल्यू क्या है आपकी 2x, बी की वैल्यू क्या है आपकी 3x, पीओ वाई कितना है 90 बराबर में 180 डिग्री। 5x इज इक्वल टू, इसे आप यहां भेज दोगे 180 माइनस में 90 डिग्री, तो 5x की वैल्यू कितनी आ गई 90। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाय 5, 5 जा 5, 5 8 जा 40, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 80। इस वजह से a क्या था हमारा 2x, मतलब 2 into 80 तो कितना हो गया 36 डिग्री, और b कितना हो गया हमारा 3 into 18 54 डिग्री। बट हमें तो c एंगल निकालना है, देखो हमारा ये एंगल इस लाइन पे बन रहा है, तो नाउ अब b प्लस c किसके बराबर होगा 180 डिग्री। क्यों है, रीजन जरूर लिखना है आपने, ये बना रहे हैं लीनियर पेयर, मतलब बना रहे हैं रैखिक युग्म। b की वैल्यू कितनी आई है 54 डिग्री प्लस c बराबर 180 डिग्री, तो आप c की वैल्यू हो गई 180 डिग्री माइनस में 54 डिग्री, c की वैल्यू हो गई 126 डिग्री, और ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से आप अपने सेकंड क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। ये हमारे पास एक प्रूफ वाला क्वेश्चन दिया है, तो देखो कैसे करते हैं प्रूफ वाला क्वेश्चन। ये हमारा पॉइंट है एस क्यू पी आर और टी, हमें यहां पे बोल रखा है गिवन में दिया है कि जो हमारा एंगल पी क्यू आर है, ये एंगल ये बराबर है एंगल पी आर क्यू के, इस एंगल के, ये एंगल इस एंगल के क्या है इक्वल है। तो हमें टू प्रूफ करना है, मतलब सिद्ध करना है एंगल पी क्यू एस, ये बाहर वाला एंगल बराबर होगा एंगल पी आर टी के, ये वाला, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, हमें प्रूफ करना है कि ये एंगल इस एंगल के क्या होगा इक्वल होगा। तो करते हैं इसे प्रूफ प्रमाण। तो देखो बेटा ये दोनों एंगल्स लीनियर पेयर बन रहे हैं, रैखिक युग्म बना रहे हैं ये भी, तो आप ऐसे लिखो एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इसके बराबर हो गया 180, इक्वेशन फर्स्ट। और यहां पे रीजन डाल दो लीनियर पेयर, ये हो गए हमारे रैखिक युग्म। अब बिल्कुल इसी तरीके से एंगल पी आर क्यू प्लस में एंगल पी आर टी इसके बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, इक्वेशन सेकंड। और ये भी किस लिए होंगे, लीनियर पेयर बनाएंगे। अब देखो बेटा ये चीज भी किसके बराबर है 180 के, और ये चीज भी किसके बराबर है 180 के, जब ये हिस्सा बराबर है तो ये हिस्सा भी क्या होगा बराबर। तो आप लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, समीकरण एक और दो से, ठीक है। मैं दोबारा बता दूं, ये चीज भी 180 के बराबर है, ये चीज भी 180 के बराबर है, जब ये हिस्सा बराबर है तो ये हिस्सा भी क्या होगा इक्वल होगा। तो आपका पी क्यू एस एंगल
प्लस एंगल पी क्यू आर बराबर होगा एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी के। ओके बेटा, अब देखो पी क्यू आर एंगल पी आर क्यू एंगल के क्या है, बराबर है, तो आप इसे काट दो, आपके पास आ गया एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी के, और यही हो गया आपका क्वेश्चन प्रूफ। क्योंकि दोनों साइड इक्वल है तो हम कैंसिल कर देंगे, तो ये इधर बचा, दोनों क्या हो गए इक्वल, आपका सवाल हो गया हैंस प्रूफ मतलब सिद्ध। तो इस तरीके से आपको प्रूफ वाला सवाल भी आ सकता है, आप उसे इस तरीके से सॉल्व करके दिखा देंगे। ओके जी, तो दोनों क्वेश्चन सभी बच्चों को समझ में आ गए, चलते हैं आगे। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर्थ, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये हमारे पास एक लाइन दी है, मगर लाइन प्रूफ करनी है हमें। यहां पे है ये और इधर है कुछ ऐसे, ये है आपके पास ए और ये है बी, यहां पर है सी, इधर है डी और ये है ओ। ये हो गया आपका एक्स, ये हो गया आपका वाई, ये हो गया आपका डब्ल्यू और ये हो गया आपका जेड। आपको बोला है यहां पे गिवन में दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू है w प्लस जेड के, x प्लस वाई इक्वल टू है w प्लस जेड के। आपको प्रूव करना है, सिद्ध करना है a o b इज ए लाइन, a o b एक रेखा है, ठीक है बच्चों। अब हमें लाइन प्रूफ करना है, तो देखो कैसे करना है प्रूफ, ध्यान से। सबसे पहले तो प्रूफ करते हैं प्रमाण x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल टू होगा 360, क्योंकि जब मैं सारे एंगलों को प्लस करूंगा तो कंप्लीट एंगल बनेगा, और कंप्लीट एंगल किसके बराबर होता है 360 के, तो ये सब किसके बराबर हो जाएगा 360। अब x प्लस वाई, क्योंकि w प्लस वाई भी किसके बराबर है इसके, तो मैं इधर भी ऐसे लिख देता हूं, मैंने इस पूरे के बदले ये लिख दिया। अब ये देखो क्या हो गया 2x प्लस वाई इक्वल टू 360, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई 360 अपॉन में 2 कट गया, तो आपके पास x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 180 डिग्री। अब देखो दिमाग लगाओ थोड़ा सा, अगर ये लाइन होती है तो इन दोनों का सम किसके बराबर होता है 180 डिग्री की, तो ये लीनियर पेयर बनाती है, लाइन है तो सम 180 डिग्री है। इसी को आप कन्वर्स करो, अगर हमारा सम 180 डिग्री है तो हमारी वो चीज क्या होगी, लाइन होगी। जैसे ये जो भी कुछ है हमने इन दोनों एंगलों का सम किया तो ये 180 बना रहा है, इसका मतलब क्या है, ये हमारा लीनियर पेयर बना रहा है, रैखिक युग्म बना रहा है। तो आप लिखोगे हैंस इट फॉर्म्स लीनियर पेयर, अतः ये रैखिक युग्म बनाते हैं, रैखिक युग्म बनाते हैं, तो इस वजह से ए ओ बी क्या हो जाएगा इज ए लाइन, ए ओ बी एक रेखा है। सिंपल सी बात है, आपको अगर इधर कोई भी डाउट लग रहा है तो बहुत सिंपल सी बात है, क्या है कि जब लाइन है तो लीनियर पेयर फॉर्म होता है, अगर लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है तो वो लाइन होगी। कन्वर्स कर देंगे हम, उल्टा कर देंगे, तो आप इस तरीके से इसको कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद यहां पे हम पहले क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, ठीक है, क्योंकि फिफ्थ के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए, तो पहले क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है हमारे पास एक्स वाई जेड एक एंगल है, एक्स वाई और जेड हमारे पास एंगल है, और ये कितनी डिग्री का एंगल,
64 डिग्री का एंगल है। एक्स वाई को आगे तक बढ़ाया, ये हमने आगे तक बढ़ा दिया, एक्स वाई को कहां तक बढ़ा दिया, एक पॉइंट पी तक बढ़ा दिया। उसके बाद एक वाई क्यू हमने रे खींची है, ये रे इस तरीके से खींची है कि हमारे ये दोनों एंगल क्या है, बराबर है। ओके, जो ये वाई क्यू लाइन खींची है हमने, ये रे खींची है, वो इन दोनों एंगलों को बाइसेक्ट कर रही है। तो हमें क्या करना है, फाइंड करना है एक्स वाई क्यू। तो ये एंगल हमें क्या करना है, फाइंड करना है, और साथ ही साथ क्यू वाई पी का, क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। ओके जी, तो इसका रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले तो ये दोनों एंगल बराबर है, तो हम लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं एंगल पी वाई क्यू वाई पी बराबर एंगल क्यू वाई जेड किसके बराबर है, एक्स। तो ये हमने दोनों एंगलों को क्या मान लिया, एक्स मान लिया। ओके जी, क्लियर। अब देखो ये हमारी एक लीनियर पेयर बन रही है, तो एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल क्यू वाई पी प्लस एंगल क्यू वाई जेड किसके बराबर होगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये पूरा हमारा लीनियर पेयर बनेगा, रैखिक युग्म बनेगा। आप रीजन लिख दो, लीनियर पेयर रैखिक युग्म, रीजन जरूर ये लिखना। इसकी वैल्यू कितनी है, 64 डिग्री, और बाकी दोनों एंगल हमारे एक्स एक्स है, 180 डिग्री। इन दोनों को मिला दिया 2x, और इसे यहां भेज दिया, 180 माइनस 64, 2x इज इक्वल टू हो गया, माइनस करते हैं तो 116 डिग्री आ गया। x की वैल्यू हो गई 116 बाय 2, इट मींस 58 डिग्री। तो हमारे कितने डिग्री का एंगल आ गया, 58 डिग्री का, मतलब ये एंगल भी 58 डिग्री का है, ये एंगल भी हमारा 58 डिग्री का है। तो सबसे पहले हम एंगल फाइंड कर लेते हैं। नाउ अब एंगल एक्स वाई क्यू तो कैसे निकलेगा, 64 डिग्री प्लस एंगल 54 डिग्री, कर दोगे तो 8 4 12 1 122 डिग्री, और एंगल रिफ्लेक्स एंगल, और आपने निकालना है रिफ्लेक्स प्रतिवर्ती एंगल क्यू वाई पी। तो कैसे निकलेगा ये, 360 माइनस एक्स, 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री, आ गई आपकी 302 डिग्री वैल्यू। तो ये हो गए आपके आंसर। तो इस तरीके से ये हमारा लास्ट क्वेश्चन आप कर लेंगे हम लोग, तो ये हमारा क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 था। ओके जी, सारे बच्चों को आ रहा है समझ में, ठीक है। अब हमारा एक क्वेश्चन बच गया था जो 5th, उसको करते हैं लास्ट क्वेश्चन, और आप कह सकते हो कि ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ओके जी, तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इन सभी क्वेश्चनों को आप दोबारा खुद अपने आप पे ट्राई करेंगे, ठीक है, ताकि आपको ये क्वेश्चंस आ जाए, ठीक, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चन भी आ सकता है, सेम टू सेम जरूरी नहीं है आ जाए। तो अब है आपका 5th क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो ये हमारे पास एक लाइन है और इसका नाम है पी और क्यू, ठीक है। इसके ऊपर ये ओ आर है, इस साइड 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और ये हमारा एक रे है एस। हमें इसके अंदर प्रूव करना है, सिद्ध करना है, क्या प्रूफ करना है, कि एंगल आर ओ एस, ये एंगल बराबर है 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है जी। सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, देखो कैसे करेंगे इसको प्रूफ। तो अब मैं आपको इसका कराने जा रहा हूं प्रूफ, प्रमाण।
देखें सभी बच्चे, सबसे पहले आपका एंगल पी ओ आर प्लस एंगल पी आर ओ क्यू किसके बराबर होगा? 90 डिग्री के, वो सॉरी 180 डिग्री के। तो हमारा पी ओ आर आर ओ क्यू की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री, बराबर हो जाएगा 180। अच्छा ये क्यों हो जाएगा बच्चों, कोई बच्चा बताएगा? लीनियर पेयर, रैखिक युग्म की वजह से। इसको यहां भेज देंगे तो एंगल पी ओ आर कितना हो गया? 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो आपका एंगल पी ओ आर कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। हमारा आर ओ क्यू भी 90 डिग्री है, पी ओ आर भी 90 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं नाउ अब हेयर, यहां पर हमें क्या मिल गया? एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू है एंगल आर ओ क्यू के। ठीक है जी बच्चों, देखो ध्यान से, पी ओ आर एंगल, इस एंगल को आप क्या लिख सकते हो? एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस। ठीक है, ध्यान से देखो, पी ओ एस ये एंगल, आर ओ एस ये एंगल, जब मैं प्लस करूंगा तो पी ओ आर बन जाएगा, तो पी ओ आर बन गया इक्वल टू आर ओ क्यू इस एंगल को। तो देखो ध्यान से, क्यू ओ एस, क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, क्यू ओ एस ये पूरा एंगल यहां से लेकर यहां तक पूरा एंगल, अगर मैं इस एंगल में से माइनस कर दूं आर ओ एस, ये एंगल माइनस कर दूं ये एंगल, तो क्या बच जाएगा? आर ओ क्यू, मतलब मेरा ये एंगल आ जाएगा। तो हम पी ओ आर को ये लिख सकते हैं, आर ओ क्यू को ये लिख सकते हैं। अब क्या करना है आपने, इसको इधर लेकर आना है और इसको इधर लेकर आना है। एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ये हो गया टू एंगल आर ओ एस, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। इस टू को आप यहां भेज देंगे, एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू वन बाय टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन हैंस प्रूव्ड, और ये हुआ हमारा सिद्ध। ठीक है जी बच्चों, तो ये थी आपके चैप्टर 1-6 लाइंस और एंगल्स, रेखाएं और कोण की पहली एक्सरसाइज। ठीक है, आप सभी बच्चों को ये मैंने पहली एक्सरसाइज कराई, सारे बच्चे इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चनों को, एक एक क्वेश्चन को दोबारा से करेंगे ताकि आप सभी को ये क्वेश्चन और भी अच्छे तरीके से आ जाए। अगली क्लास में हम करेंगे अपनी 6.2 एक्सरसाइज, तो नई क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक सारे के सारे बच्चों को बाय, आज की क्लास यहीं पे हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको 6.2 एक्सरसाइज और उसमें यूज होने वाले फॉर्मूलों को बताऊंगा, तब तक आप अपनी 6.1 एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चनों को कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, सारे बच्चों को बाय, सारे बच्चों को गुड लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, बाय बच्चों।